हेलो फ्रेंड्स, एक व्यक्ति की हत्या हो जाती है। हत्या होने के बाद उसके परिवारजन FIR दर्ज करवाते हैं। FIR दर्ज हो जाती है, पुलिस अभियुक्तों की तलाश करती है, अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो जाती है। अब अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो जाने के बाद पुलिस मामले की इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। विभाजन अधिकारी जो भी होता है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। इन्वेस्टिगेशन में जो भी व्यक्ति आरोपित पाए जाते हैं कि इनकी संलिप्तता इस अपराध में थी, उनके विरुद्ध आरोप पत्र तैयार किया जाता है विभाजन अधिकारी द्वारा, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर द्वारा। और इधर अभियुक्त जमानत के लिए प्रार्थना पत्र सेशन न्यायालय में प्रेषित करते हैं, जमानत नहीं मिल पाती है। सेशन न्यायालय द्वारा जमानत से मना करने पर अभियुक्त हाईकोर्ट में जमानत के लिए आवेदन करते हैं। कुछ समय बाद हाईकोर्ट जमानत दे देती है। तब तक पुलिस भी न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित कर देती है। अब शुरू होता है ट्रायल का मैटर प्रोसीजर। ट्रायल में प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है। उसी बीच अभियुक्त जो पीड़ित पक्ष होता है उससे वार्ता शुरू करता है कि हाँ, गलती से हो गया और आप जो कहिए हम प्रतिकर देने को तैयार हैं और मामले को आगे नहीं बढ़ाते हैं, ये ख़त्म कर लेते हैं। पीड़ित पक्ष भी कुछ सोच विचार करता है और इसका सोचता है, चलो ठीक है, जो हो गया, गलती से हुआ, कैसे हुआ, अब आगे इस मामले को आगे नहीं बढ़ाते। पीड़ित पक्ष चाहता कि चलिए ठीक है, हम FIR दर्ज हो गई थी, चार्जशीट भी लग गई, न्यायालय ने ट्रायल भी शुरू कर दिया, अब हम इस मामले को वापस कर लेते हैं। तो क्या ऐसा संभव है कि अगर पीड़ित पक्ष चाहे तो मामले को वापस ले सकता है? जी नहीं, अगर पीड़ित पक्ष चाहे तो भी हत्या जैसे अपराध का आरोप आपसी सुलह समझौता से नहीं निपटा सकते। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 320 में यह प्रावधान किया गया है कि कौन से अपराध सहनीय होंगे या कौन से अपराध कंपाउंडिंग होंगे या कौन से ऐसे अपराध होंगे जो अगर पीड़ित व्यक्ति या कंप्लेनेंट या शिकायतकर्ता चाहे तो उसे वापस ले सकता है किसी भी प्रक्रम पर। मतलब मान लीजिए फैसला सुनाए जाने से पहले कभी भी, यह प्रावधान करती है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 320, जिसमें सहनीय अपराधों के विषय में बताया गया है। 302, 307, 308, 376, ABCDE, 354, 395, डकैती, किसी का अपहरण करना, ये ऐसे अपराध हैं, ऐसे मामले हैं जो आप आपसी सुलह समझौता से नहीं निपटा सकते। पीड़ित चाहे कि हाँ हम सुलह समझौता कर लेंगे तो भी ऐसा संभव नहीं है। विधि आपको इसकी इजाज़त नहीं देती है, विधि आपको इसकी अनुमति नहीं देती है, क्योंकि यह अपराध व्यक्तिगत ना होके पूरे समाज के प्रति अपराध होता है, यह व्यवस्था को प्रभावित करता है। इसलिए इन अपराधों को कंपाउंडिंग ऑफेंस यानी सहनीय अपराध की श्रेणी में नहीं रखा गया है। धारा 320 दंड प्रक्रिया संहिता यह बंद करती है कि ऐसे अपराध जो गंभीर प्रकृति के नहीं होंगे, जिसमें समाज को क्षति नहीं हो रही है या समाज में भय व्याप्त नहीं हो रहा है, तो वह अपराध सहनीय प्रकृति के होंगे और उसमें अगर जो भी पीड़ित व्यक्ति है तो वह चाहे तो अभियुक्त को माफ कर सकता है और उस को के द्वारा जो भी अभियोग पंजीकृत कराया गया है या जो मुकदमा दर्ज कराया गया है वह वापस ले सकता है। तो वह सजा सुनाए जाने से पहले किसी भी समय ऐसे अपराध के अभियुक्त को माफ कर सकता है। इसमें 323 है, 341 है, 42 है, 379 है, 411 है, 419 है, 500 है मानहानि। ऐसे अपराध का वह सजा सुनाए जाने से पहले कभी भी चाहे तो हम माफ कर सकता है, वापस ले सकता है। लेकिन गंभीर अपराध जो समाज के प्रति, मतलब पूरे समाज में
बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं, ऐसे अपराधों को सहनीय नहीं बनाया गया है। बलात्कार जैसे अपराध में मदन लाल वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी में एक रूलिंग है सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें यह कहा गया है कि आपसी सुलह समझौता से बलात्कार जैसे मामलों को नहीं निपटाया जा सकता। बहुत से मामलों में देखा गया है कि बलात्कार पीड़ित से जो व्यक्ति होता है, जिस बलात्कार का आरोपी जो होता है, वह विवाह भी कर लेता है, शादी भी कर लेता है, फिर भी अभियोग वापस नहीं लिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि वह व्यक्तिगत अपराध नहीं है, एक प्रथा बन जाएगी समाज में। हर व्यक्ति, मान लीजिए कोई किसी लड़की को पसंद करता है, लेकिन वह लड़की नहीं चाहती कि उससे शादी करे और उसके साथ बलात्कार करता है। अब समाज के डर से, घर परिवार के डर से, दबाव में वो लड़की से शादी कर ले, तो ये क्या हो जाएगा? एक कुप्रथा शुरू हो जाएगी और समाज विकृत हो जाएगा। हर व्यक्ति लोगों के जीवन में दखल शुरू कर देगा। अनुच्छेद 21 जो व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता प्रदान करता है, उसकी क्षति शुरू हो जाएगी। इसलिए ऐसे अपराधों को असहनीय प्रकृति का माना गया है। हत्या, बलात्कार, लूट, डकैती, किसी के घर में आग लगा देना, किसी का अपहरण कर लेना, व्यापहरण कर लेना, ये अपराध गंभीर प्रकृति के माने गए हैं और इनको सहनीय की श्रेणी में नहीं रखा गया है। इसीलिए दंड प्रक्रिया संहिता में यह व्यवस्था की गई है कि कौन से अपराध जो हल्के प्रकृति के हैं, जो जब पीड़ित प्रति चाहे तो वापस ले सकता है। ये हैं सहनीय और असहनीय प्रकृति के अपराध। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी आपको ऐसे वीडियोस देखने को मिलते रहें। थैंक यू।